हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सीएससीबी एई के सिविल के क्वेश्चन को ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बस इसका पार्ट वन रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आने वाले पार्ट आएंगे और सीजी के अलग अलग एजेई एग्जाम के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। ये एग्जाम इन्होंने 2018 में लिया हुआ था। 80 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें सिविल के और 10-10 क्वेश्चन रीजनिंग और जीएस के भी थे। तो सिविल के पेपर टेक्निकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्या बोल रहा है, इन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड द वैल्यू ऑफ कैरी ओवर फैक्टर फॉर फार एंड फिक्स एंड हिंज सपोर्ट रिस्पेक्टिवली आर। मतलब अगर फार एंड हमारा फिक्स है और हिंज है, इन दोनों ही केस में हमको कैरी ओवर फैक्टर की वैल्यू बतानी है। तो कैरी ओवर फैक्टर क्या होता है, कैरी ओवर मोमेंट एट फार एंड, इसको एम ए बोल देते हैं, अपॉन अप्लाइड मोमेंट। मोमेंट कहाँ अप्लाई करेंगे, नियर एंड पे। ये दोनों केस की को बना के देख लेते हैं। ये फार एंड फिक्स, ये फार एंड हिंज। नियर एंड पे हम लोग मोमेंट अप्लाई करेंगे। तो कुछ मोमेंट इसका इधर कैरी कर जाएगा, इसको बोलते हैं कैरी ओवर मोमेंट। फार एंड पे हमने अप्लाई किया एम, अप्लाई किया एम, कैरी कर गया हमें। तो फार एंड अगर फिक्स रहेगा तो कितना कैरी कर जाता है, अप्लाइड मोमेंट का आधा। अगर फार एंड हिंज रहेगा तो कितना कैरी करेगा, जीरो। ठीक, तो ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, हाफ एंड जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन टू। एज पर आईएएस द मिनिमम स्लेंडरनेस रेशियो फॉर टेंशन मेंबर्स अदर देन प्री टेंशन मेंबर इज। कोड से क्वेश्चन पूछा हुआ है डायरेक्ट कोडल वैल्यू पे, ऑप्शन है ये। इसका आंसर क्या हो जाता है, 400। इसमें देखते हैं ये वाला, देखो मेंबर्स ऑलवेज अंडर टेंशन अदर देन प्री टेंशन मेंबर, स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू क्या है, 400। और अलग वैल्यू देख लेते हैं, 350 किसके लिए होता है, ब्रेसिंग सिस्टम के लिए होता है रूट क्रश में, या फिर उसको बोल लो टाई मेंबर्स के लिए, ठीक है। एक वर्ड याद रखना है, टाई। 300 किसका होता है, कंप्रेशन फ्लेंज, बीम के कंप्रेशन फ्लेंज का टॉर्शनल बकलिंग के अगेंस्ट। 180, डेड लोड और लाइव लोड के कारण हमारे मेंबर में जो कंप्रेसिव लोड आता है, डेड लोड और लाइव लोड एज ए कंप्रेसिव लोड जो मेंबर कैरी करता है, तब उस केस में स्लेंडरनेस रेशियो 180। और 180 कब होता है, डेड लोड और लाइव लोड के कारण ही जब टेंशन मेंबर में रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस देखने को मिलता है, रिवर्सल ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस, इसके कारण में ड्यू टू लोड अदर देन विंड और सिस्मिक लोड, डेड लोड लाइव लोड के कारण, तो भी 180। 250, कंप्रेशन मेंबर में जब विंड और अर्थक्वेक लोड लगते हैं कंप्रेशन मेंबर में, तब 250। तो ये सब वैल्यू भी हमको इसके साथ साथ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। अ कंटिन्यूअस बीम एबीसी इज सिंपली सपोर्टेड एट ए एंड सी एंड इज कंटिन्यूअस ओवर सपोर्ट बी, ठीक, विथ ए बी, ए बी स्पान 4 मीटर, बी सी 5 मीटर, ठीक है। आगे बोल रहा है, द बीम इज सब्जेक्टेड टू UDL लगा हुआ है 10 किलोमीटर पर मीटर का, ठीक है। आगे द मोमेंट ऑफ इनर्सिया आई थ्रू आउट द स्पान इज कॉन्स्टेंट। तो फिर पूछा हुआ है मोमेंट एट बी, बी सपोर्ट पे मोमेंट की वैल्यू बतानी, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं, ये गेट किया। बीम कैसा दिया हुआ है हमको, कंटिन्यूस बीम दिया हुआ है, कंटिन्यू
कंटिन्यूस बीम दिया हुआ है, दो स्पान है मतलब तीन सपोर्ट है, और क्या बोल दिया है ए और सी मतलब जो जो दोनों एंड स्पान हमारे सिंपली सपोर्टेड है। सिंपली सपोर्ट है मतलब इसमें मोमेंट जीरो आएगा, सिर्फ बी में बीच वाले सपोर्ट जो कि बी है उसी में मोमेंट आएगा और वही हमको निकालना है। तो ऐसे में कंटिन्यूस बीम के लिए सबसे अच्छा मेथड जो सूटेबल रहता है वो होता है थ्री मोमेंट इक्वेशन मेथड, ठीक है। और ऊपर से इसमें सिंपली सपोर्टेड भी दिया हुआ है एंड में, तो वहां पे जीरो आ जाएगा तो कैलकुलेशन और कम हो जाएगी। तो थ्री मोमेंट इक्वेशन से पहले बीम बना के देख लेते हैं क्या बोला हुआ है क्वेश्चन में। ये दिया हुआ है बीम, सपोर्ट ए और सी सिंपली सपोर्टेड है और बीम इज कंटिन्यूस ओवर बी, पूरे में यूडीएल लगा हुआ है, पूरे में यूडीएल लगा हुआ है कितने का 10 किलोमीटर पर मीटर का। ये स्पान बी है, ये ए है और ये सी है, ठीक है। इसके लिए पहले हमको क्या बनाना होता है, प्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये यूडीएल है, तो यूडीएल में कैसे बनता है, ये वैल्यू कितनी हो जाती है इसकी, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8। इस स्पान के लिए भी डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8। डब्ल्यू 10 है, इसका लेंथ है 5 मीटर, इसका दिया हुआ है 4 मीटर। डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 ये कितना आ जाता है, आएगा 31.25। इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसका आएगा 20, ठीक है। ये ए था, बी और सी। थ्री मोमेंट इक्वेशन क्या होगा इसके लिए, एम ए एल वन अपॉन आई वन प्लस टू एम बी एल वन अपॉन आई वन प्लस एल टू अपॉन आई टू प्लस एम सी एल टू अपॉन आई टू इज इक्वल टू माइनस सिक्स ए वन एक्स वन अपॉन आई वन एल वन माइनस सिक्स ए टू एक्स टू आई टू एल टू। आई पूरे बीम में दोनों स्पान में कॉन्स्टेंट बोला हुआ है, तो आई की वैल्यू को कैलकुलेट करते हुए कैंसिल हो जाएगा। और क्या हुआ है, ए और बी सिंपल सपोर्ट है, तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म पूरा जीरो हो गया। एल वन पता है 4, एल टू पता है 5, 2 एम बी हमको निकालना है। यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, अब बच रहा है इसमें ए वन और एक्स वन और ए टू और एक्स टू। ए वन है इसका एरिया, पहले स्पान के फ्री बीएमडी का एरिया, इसका एरिया क्या हो जाता है 2/3 बेस मतलब 4 हाइट 20। ए वन कितना जाएगा 2/3 53.33। वैसे ही ए टू हो जाएगा 2/3 बेस राइट, इसको सॉल्व करने से होता है माइनस 1250 अपॉन 4। एक्स वन रहेगा ये वाले सपोर्ट से इसके सेंट्रोइड का डिस्टेंस, तो ये पूरा 4 है, तो एक्स वन क्या हो जाएगा 2। और वैसे ही एक्स टू ये मेजर करेंगे इस सपोर्ट से, तो इसका आधा 5/2। ए वन एक्स वन ए टू एक्स टू एल वन एल टू सबकी वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ पर कैलकुलेट करने से एम बी निकल के आता है माइनस 26.25 किलोमीटर मीटर।
हमारे ऑप्शन के हिसाब से ये वाला है, तो ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब ये ऑप्शन पॉइंट पॉइंट में ऑप्शन है, यही देख के हमको समझ आ रहा है कि इसमें कैलकुलेशन वाला है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के आपको वहां पर सॉल्व नहीं करना है, इसको देख के आगे बढ़ जाना है। बाद में कभी अगर टाइम बचेगा तो मैं इसको सॉल्व करूंगा, नहीं तो फिर मैं इसको देख के आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना टाइम मैं इसको सॉल्व किया है उतने देर में हमारा दो तीन क्वेश्चन और हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। और एक न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, अ प्री टेंशनड कंक्रीट बीम विद क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 3 × 10⁴ mm² एंड मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ 225 × 10⁶ इज प्री स्ट्रेस्ड बाय स्ट्रेट वायर कैरिंग एन इनिशियल फोर्स ऑफ 150 kN एट एन इसेंट्रिसिटी ऑफ 50 mm। इसेंट्रिसिटी कॉन्स्टेंट इसेंट्रिसिटी वाला केस है। तो गिवन क्या है, मॉडुलस प्लास्टिसिटी स्टील का दिया हुआ है और कंक्रीट का दिया हुआ है 210 और 35। व्हाट वुड बी द परसेंटेज लॉस ऑफ स्ट्रेस इन स्टील ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ कंक्रीट। ठीक है, अगर एरिया ऑफ स्टील वायर दे दिया है 200 mm², लॉस हमको कैलकुलेट करना है इलास्टिक डिफॉर्मेशन के तहत। इसी लॉस ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन को और क्या बोलते हैं, लॉस ड्यू टू इलास्टिक शॉर्टनिंग। तो ये लॉस कितना होता है, इसका फॉर्मूला MFC। M का मतलब है मॉडुलर रेशियो और FC का मतलब है स्ट्रेस एट द लेवल ऑफ लोड। जहां पर लोड लग रहा है उस लेवल पे कितना स्ट्रेस है हमारे बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम में, तो इसको हमको उसको बोलते हैं ना FC। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉस निकल के आएगा। ठीक है, लेकिन पूछा क्या है हमको, परसेंटेज लॉस पूछा है। ठीक है, तो इसको देखते हैं, पेज ऐड किया। इसके लिए मैं बीम बना के दिखाता हूँ, एग्जाम में वैसे बनाने की जरूरत नहीं है, ये बस समझाने के लिए, क्योंकि एग्जाम तो ऑब्जेक्टिव है। ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस है, ये हमारा लोड लग रहा है, ये हमारा लोड लग रहा है कितने सेंट्रिसिटी पे, पूरा सेंट्रिसिटी कांस्टेंट है, सेंट्रिसिटी कितना दिया हुआ है 50 mm। ये स्टील वायर है, इसका एरिया भी दे दिया हुआ है 200 mm². ठीक है, ये तो हो गया लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम बनाते हैं, इसके लिए क्रॉस सेक्शन देखेंगे। यहाँ पे लोड लग रहा हुआ है, ठीक है, जो पी है सेंट्रिसिटी ई पे, तो हमको FC कहाँ पे निकालना है, इस लेवल पे हमको FC निकालना है। दो स्ट्रेस लग रहे हैं इसमें, ये पहला स्ट्रेस है डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस क्या होता है P/A, और दूसरा है ये बेंडिंग स्ट्रेस। बेंडिंग के क्वेश्चन से निकल के आता है क्या, MY/I। ठीक है, M निकाल लेंगे पहले और FC निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि M और FC को हमको मल्टीप्लाई करना है। M यही निकाल लेता हूँ, M क्या होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील अपॉन
कंक्रीट स्टील का दिया हुआ है 210, कंक्रीट का 35, ये निकल के आता है 6, मॉड्यूलर एसी हो गया 6। अब बचा एफसी, एफसी दोनों स्ट्रेस को ऐड करेंगे डायरेक्ट स्ट्रेस को और अपने बेंडिंग स्ट्रेस को। मोमेंट की वैल्यू क्या है? P इंटू ई। वाई क्या है? वाई का मतलब न्यूट्रल एक्सिस से वहां तक उस फाइबर की डिस्टेंस जहां पे हमको स्ट्रेस कैलकुलेट करना है। तो आप कैलकुलेट कहाँ करना है? एफ सी पे। न्यूट्रल एक्सिस से एफ सी की डिस्टेंस क्या है? ई। ठीक है, तो वाई हमारा क्या है? ई। पी वाई ए प्लस एम था अपना पी ई अपॉन आई, वाई है हमारा ई। सबकी वैल्यू पुट करेंगे। पी के वैल्यू दिया हुआ है 150 किलो न्यूटन न्यूटन में, एरिया दिया हुआ है, एरिया कितना दिया है? क्रॉस सेक्शन एरिया 3 × 10⁴, 10⁴ प्लस पी इंटू ई 150 इंटू ई इंटू ई अपॉन आई। आई क्या होता है रेक्टेंगल का? बीडी क्यूब बाई 12, बीडी क्यूब बाई 12, लेकिन इसमें दे दिया हुआ है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया 225 × 10⁶। एफ सी इसका कैलकुलेट करोगे तो निकल के आएगा 6.67 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो लॉस कैलकुलेट कर लेंगे। एमएफसी 6 × 6.67, तो लॉस निकल जाएगा 40.02 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। लेकिन हमको पूछा क्या है? लॉस पूछा है, परसेंटेज लॉस, परसेंटेज लॉस क्या हो जाएगा? चेंज इन स्ट्रेस अपॉन इनिशियल, चेंज इन स्ट्रेस मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इतना था, लॉस होने के बाद इनिशियल इतना बचा, तो जो बचे फाइनल और इनिशियल के बीच के डिफरेंस को ही तो बोलते हैं लॉस। लॉस अभी हमने कैलकुलेट किया 40.02। इनिशियल स्ट्रेस क्या हो जाएगा? लोड अपॉन एरिया, लोड कितना लग रहा है? 150, और स्टील वायर का एरिया कितना दिया है? 200। तो यहाँ से इनिशियल स्ट्रेस आएगा 150 न्यूटन में अपॉन एरिया इंटू 100। इसको जब सॉल्व कर लोगे तो आंसर आता है 5.33%। एज पर ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है? अ स्ट्रेट टेंडन एट अ यूनिफॉर्म सेंट्रिसिटी। ठीक है, एक स्ट्रेट टेंडन है यूनिफॉर्म सेंट्रिसिटी पे बिलो द सेंट्राइवल एक्सिस इज। क्वेश्चन कुछ अधूरा लग रहा है। इसमें इसका डिफ्लेक्शन पूछा हुआ है, स्ट्रेट टेंडन लगा हुआ है यूनिफॉर्म सेंट्रिसिटी पे। तो ठीक है, तो जैसे कि ये वाला बीम था हमारा पहले वाला, इसमें पी लोड है, इसमें ई के, इसमें कैसा मोमेंट आ रहा है? हॉगिंग मोमेंट, इधर भी ऐसे हॉगिंग मोमेंट। बीम को अगर हम लोग स्ट्रेट बना के देखेंगे ऐसा ये हमारा बीम रहेगा, डिफ्लेक्टेड शिफ्ट कैसे हो जाएगा इसका? ऐसा ऐसा हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमको बताना है। ये तो स्टैंडर्ड केस है, डेल्टा इसमें कितना होता है? एम एल स्क्वायर अपॉन ए टी आई। मोमेंट की वैल्यू हमारे कितनी थी? पी इंटू ई। और हमेशा जब
नीचे होता है तो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो ये ऊपर हुआ है तो इसको हम लोग नेगेटिव ले लेंगे, ई एल स्क्वायर अपॉन ए टी आई। ऑप्शन के हिसाब से ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में और बताया होता कि बीम के ऊपर यूडीएल भी लगा है, बीम के ऊपर यूडीएल भी लगा है, तो ये तो हॉगिंग मोमेंट के कारण ऊपर डिफ्लेक्ट हुआ, ये यूडीएल के कारण बीम ऐसे नीचे डिफ्लेक्ट होगा, तो फिर इसका क्या हो जाता है, सिंपली सपोर्टेड का केस 5WL4 अपॉन इस केस में नेट डिफ्लेक्शन हो जाता है। अगर इसको 1 बोले इसको 2 बोले तो डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 करके माइनस 5W4 अपॉन सब केस में ये हो जाता है आंसर, लेकिन अभी यूडीएल का कोई जिक्र नहीं हुआ है तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री मोमेंट इक्वेशन इज वाइडली यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ कंटिन्यूस बीम ट्रेसेस कॉलम स्लैब। अभी पीछे एक क्वेश्चन देखे थे, ये वाला क्वेश्चन, कंटिन्यूस बीम को किससे एनालाइज किया था, थ्री मोमेंट इक्वेशन से, तो करेक्ट आंसर रहेगा ए। थ्री मोमेंट इक्वेशन को और क्या बोलते हैं, क्लैपेरॉन्स थ्योरम, ठीक है, और क्या बोलते हैं, क्लैपेरॉन्स थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिच ऑफ ट्रस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, पिच जो होता है हमारे ट्रस का उसको उसका डेफिनेशन पूछ रहा है, ठीक है। देखो पिच होता क्या है कि कितने इंच से हमारा रूफ राइज किया है हर एक 12 इंच के स्पान के लिए, हर 12 इंच स्पान में हम आगे बढ़ेंगे तो कितना हमारा पिच, कितना हमारा रूफ राइज किया, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग पिच बोलते हैं। ये फोटो, ये पिच, ये स्पान, कितना हमारा राइज कर रहा है हर 12 इंच पे, उसको हम लोग पिच बोलते हैं। जैसे कि और पिच का फॉर्मूला क्या हो जाता है, यहीं से देख लेना, यहाँ से क्या हो जाएगा, राइज यानी कि हाइट, इसको राइज भी बोलते हैं, राइज अपॉन स्पान, स्पान ऑफ द ट्रस टू द हाइट ऑफ द ट्रस नहीं, नंबर ऑफ मेंबर टू द नंबर ऑफ जॉइंट नहीं, हाइट ऑफ द ट्रस टू द स्पान ऑफ द ट्रस, करेक्ट, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ अ स्टैंचियन इज 5 मीटर एंड द लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन इज 10, तो फिर पूछ रहे हैं द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ द स्टैंचियन क्या है। स्टैंचियन क्या होता है, ये एक तो कंप्रेशन नंबर है, स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट रेडियस ऑफ गायरेशन। इफेक्टिव लेंथ कितना दिया है, 5 मीटर और रेडियस ऑफ गायरेशन है 10। रेडियस ऑफ गायरेशन की हमको यूनिट नहीं दी हुई है, ठीक है, कि ये मीटर में है या सेंटीमीटर में है, तो हम लोग अगर इसको मीटर लेके चलें तो 5/10 तो 0.2 आ रहा है, अगर इसको सेंटीमीटर लेके चलें तो 500/10 50 आ रहा है, और अगर mm लेके चलेंगे तो 5 मीटर का 5000 mm और 10 तो ऐसे में 500 आ रहा है, और तो 0.2 और 500 तो ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन के हिसाब से 550 ही मैच कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री मोमेंट इक्वेशन वॉज डिराइव्ड बाई बर्नौली आयलर रैंकाइन क्लैपेरॉन। अभी पीछे थ्री मोमेंट इक्वेशन टाइम डिस्कस किए थे कि थ्री मोमेंट इक्वेशन को और क्या बोलते हैं, क्लैपेरॉन थ्योरम, क्यों, क्योंकि ये डिराइव किया गया है क्लैपेरॉन के द्वारा। बर्नौली किसमें पाया जाता है, भाभी,
बर्नौली इक्वेशन p बाय रो जी प्लस v स्क्वायर बाय 2g प्लस z इक्वल टू जीरो, ये क्या है, हेड फॉर्म ऑफ एनर्जी इक्वेशन। आयलर आयलर का भी इक्वेशन होता है FM में, एनर्जी इक्वेशन, और क्या होता है सोम में, लॉन्ग कॉलम के लिए, लॉन्ग कॉलम के डिजाइन क्या अजम किया है आयलर ने कि लॉन्ग कॉलम में क्या होगा, बकलिंग फेलियर। रैंकाइन रैंकाइन की थ्योरी किसके लिए है, शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम दोनों के लिए, तो इसने कैसा फेलियर अजूम किया है, लॉन्ग के लिए बकलिंग और शॉर्ट के लिए क्रशिंग, ठीक है दोनों रहेगा। सॉइल में भी देखने को मिलता है रैंकाइन, रैंकाइन की अर्थ प्रेशर थ्योरी, ठीक है, तो इसका आंसर क्लेप्टॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कंप्रेशन फ्लेंज ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ लेंथ एल एंड दैट इज पार्शियली रिस्ट्रेंड अगेंस्ट लेटरल बेंडिंग इज, ठीक है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है एल लेंथ की जो कि पार्शियली रिस्ट्रेंड है लेटरल बेंडिंग के, और तो उसका कंप्रेशन फ्लेंज का अपने को क्या पूछ रहे हैं, कंप्रेशन फ्लेंज का उसके इफेक्टिव लेंथ पूछ रहे हैं, ये भी डायरेक्ट कोडल वैल्यू है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.85 L, ठीक है। ये देखो लोडिंग कंडीशन हम लोग कैसे देखते हैं, हमेशा नॉर्मल। क्वेश्चन में क्या बोला है, कंप्रेशन फ्लेंज जो कि पार्शियली रिस्ट्रेंड हो, यहाँ कहाँ पे है कंप्रेशन फ्लेंज पार्शियली रिस्ट्रेंड, आंसर हो जाएगा 0.85 L, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और आने वाले वीडियो में छत्तीसगढ़ के और AJEE एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके थैंक यू एवरीवन।